वर्ल्ड कप का फिफ्थ मैच अफगानिस्तान बनाम युगांडा, ये मैच हमारा खेला जाएगा गुवाना, मतलब वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, तो वहां तो स्पिन मिलने वाली है। और अफगानिस्तान जैसी टीम जिसके पास राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, ऐसे ऐसे स्पिनर है, तो भाई युगांडा की तो लगने वाली है कल। बाकी क्या लगता है क्या होने वाला है? गंदे तरीके से लगने वाली है, युगांडा का कच्चा फट जाएगा। युगांडा को असलियत पता चलेगी। अब तक उनका जो रन रेट है ना, मतलब यार जो ये वर्ल्ड कप होता है ना, ये इसलिए होता है कि जो टीमें होती है ना, जो 20 टीमें लेके आई इस बार, पहली बार ऐसा हो कि 20 टीमें खेल रही है, तो जो युगांडा हो गई, कनाडा हो गई, ये जो टीमें खेलने आएगी, ओमन वगैरह सारी, तो ये वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस इतने सालों बाद फिर से मिलेगा। तो उसी बीच में जब ये युगांडा वैसी टीमों से खेलती है, तो अभी तक जिसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है वो युगांडा, विनिंग रेट में सबसे हाईएस्ट इनका है। अभी ने कल पता चलेगा कि जब ये अफगानिस्तान जो और अच्छी अच्छी टीम है, इनसे जब भिड़ते हैं, तो जब ये 10-20 रन पे 25 रन पे ऑल आउट होती दिखेगी, तो कल पता चलेगा। वैसे इतना बुरा होना शायद नहीं चाहिए, क्योंकि युगांडा भी ना जिम्बाब्वे जैसी टीम, क्वालिफायर वाली टीम में, जिम्बाब्वे टीम को हरा के युगांडा आ गया। नहीं ठीक है कि मतलब एक टोटल होता है ना 100-150, इतना तो नहीं बना पाएगी, लेकिन यह हो सकता है अगर गलती से अफगानिस्तान को ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर देना, अंडर 50 ऑल आउट दिख सकती है। हम आरसीबी के फैंस को उम्मीदें दे रहे हैं, याद रखना, हो सकता है 49 से नीचे ऑल आउट हो जाए युगांडा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि आपके पास राशिद खान है, तो नूर अहमद भी नहीं बोला, हाँ नूर अहमद भी है, फजल फरूकी भी है, नवीन उल्लक भी है, तो ऐसे ऐसे बॉलर है, तो भाई आपको दिख सकता है 50 से अंदर ऑल आउट होते। बाकी युगांडा में से आपको कौन सा प्रेडिक्शन देना है? युगांडा में से देखिए उनके ऑलराउंडर्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको मैच में अपनी टीम बनानी है तो ऑलराउंडर्स की तरफ आप ज्यादा जाइएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आप ड्रीम 11 का 10-1 चूज कर सकते हो अगर बैटिंग फर्स्ट करती है अफगानिस्तान, वरना पता क्या होगा ये कि भाई युगांडा के प्लेयर तो रन बना के थी, अफगानिस्तान के सिर्फ टॉप के दो बंदे आके चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर युगांडा बैटिंग फर्स्ट करती है तो अफगानिस्तान के सारे बॉलर उठा लो और सारे ऑलराउंडर उठा लो, भाई एक एक भी ओवर बोले कैच आउट, भाई मेरे को तो लग रहा है जो कैच भी कर लेगा ना 12 पॉइंट पे वो भी ड्रीम 11 में दिखेगा। सही बात है, तो भाई मेरे को तो लग रहा है 10-1 कर लेना, नहीं तो 9-2, इससे ज्यादा मेरे को नहीं उम्मीद की युगांडा का कोई चलने वाला है। बाकी आप बता दो कौन सा प्लेयर चल सकता है युगांडा में ना, एक उनका बोलर है सी क्यूएटा करके, तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी नजरें रख सकते हो। इसके अलावा जो इनके ऑलराउंडर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ए राजमानी करके एक ऑलराउंडर है, तो वो बैट और बॉल दोनों में से एक में तो चलेंगे, तो वो एक चीज हो जाती है कि वो आपको पॉइंट देके जाएंगे, तो आप इन दो खिलाड़ियों पे खासा नजर रखना। इसके अलावा अगर आप युगांडा से ही पूछना चाहते हो, एक और मैं बता देता हूं, उनका एक बैट्समैन है आर मुसाका करके, कोई आर मुकासा सॉरी, तो उनके ऊपर आप नजर रखिए। मैंने भी ये जो भाई ने बताया, मतलब ठीक है आपको इतने पॉइंट दे सकते हैं कि ड्रीम 11 में दिख जाएंगे, और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आपको 40-50 पॉइंट दे जाए, अगर वो बिल्कुल ही हो जाए ना कि जैसे 2-3 विकेट जल्दी गिर गई, तो आपके जो दो बैट्समैन आए वो बिल्कुल टिक टिक के खेल रहे, सिंगल सिंगल ले रहे, वो आपको लेता दिखेगा। बाकी ये मैच तो वन हैंड अफगानिस्तान जीतने वाली, अफगानिस्तान के आप 7 से 8 प्लेयर भाई रहमानुल्लाह गुरबाज और टॉस के बाद टेलीग्राम पे भी टीम मिल जाएगी आपको, और बाकी बात करें तो गिव अवे की, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना, इंस्टा पे गिव अवे आएगा, 500 रुपए जीत सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।